देख देख विंदराज नेता चोरी चोरी इस घर में घुस रहा है। मैं भी देख रहा हूँ। अगर कोई पूछे तो बता देना कि साहब नहीं है। ठीक है ठीक है। इस वीरान घर में क्या करने जा रहा है? अरे मुंह छुपाने के लिए घुस रहा होगा। तुम सही बोल रहे हो। ये लोग जनता से वादा करके अब मुंह नहीं छुपाएंगे तो क्या करेंगे? वादा तो पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ चलो आज हम इसका क्लास लेते हैं। चलो चौकीदार गेट खोलो, हमें नेताजी से मिलना है। नेताजी बाहर गए हुए हैं, यहाँ पे नहीं है। अभी अभी तो हम अंदर जाते हुए देखा उनको, तुम कहते तो अंदर नहीं है। वो नहीं, उनका रिश्तेदार आया हुआ। अबे रिश्तेदार आएगा तो घर आएगा, यहाँ क्यों आएगा वीरान में? गेट खोल, हमें अंदर जाना है। नहीं, उनके बिना इजाजत के गेट नहीं खुलेगा। ठीक है अभी हम खोल लेते हैं। उनके इजाजत के बिना गेट नहीं खुलेगा। ठीक है न, खोलो हम खोल लेंगे। साहब साहब क्या हुआ? ये लोग गेट खोल के जबरदस्ती घुस गए हैं। अरे घुसिया है तो आने दो, तुम गेट पर ही रहो। और हाँ अब किसी को आने मत देना। ठीक है साहब। कहो नेताजी, जीत की खुशी मनाकर यहाँ मुंह छुपा कर बैठे हो? मुंह छुपा कर कौन बैठा है, हम तो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। इलेक्शन में थक गए ना, इसके लिए। इलेक्शन में थक गए हो या जनता से वादा करके ना पूरा करने की वजह से तुम मुंह छुपा के बैठे हो? वादा? कौन सा वादा? अरे वही वादा जो तुम्हारे मुखिया ने किया था कि हमें अपना वोट देकर जिताओ, हम तुम्हें हर माह 8,500 रुपया और साल में 1,00,000 रुपया देंगे खटाखट। जनता ने तुम्हें जिता दिया वादे के मुताबिक, अब आप लोग रुपया दीजिए फटाफट फटाफट। जीत तो जरूर गए, सरकार तो दूसरे की बन गई ना। जनता ये सब नहीं सुनेगी। तुम्हारे मुखिया के कहे अनुसार अपना वोट का सपोर्ट दे करके तुम्हें जिताया और उनको अब पैसा चाहिए। अब देखिए, जब मछली को फंसाना होता है तो मछुआरा जो है लालच का चारा पहले डालता है, तब जा करके मछली फंसती है। और वही कार्य हमारे नेताजी ने किया है। तो इसका मतलब है तुमने जनता को बेवकूफ़ बनाया? हमने नहीं बनाया, बल्कि जनता ही लालच में आकर बेवकूफ़ बन गई। तो एक बात हमारी कान फोड़ कर सुन लो नेताजी, ये जनता है, अगर ये किसी को उठा सकती है तो गिरा भी सकती है। अब 5 साल के लिए हम सांसद तो बन ही गए, अब हमको कौन गिरा सकता है? 5 साल नहीं, सिर्फ 2 साल में आप देखना कैसे आपकी पार्टी धाराशाही होती है। 2 साल बाद क्या होने वाला है? 2 साल बाद विधायकी का इलेक्शन आ रहा है, तब तुम जनता के पीछे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाओगे वोट के लिए, तब इसका जवाब तुम्हें जनता देगी। अरे अरे मैं तो भूल गया था कि 2 साल के बाद विधायकी का चुनाव आ रहा है और हमें जनता के पास जाना ही पड़ेगा। अगर वादा पूरा नहीं करोगे तो जनता जूते का हार पहनाएगी। तो क्या करें? जाओ अपने मुखिया से कहो जो वादा किया है वो जनता को पूरा करे, नहीं जनता उनकी पार्टी को गहराई में गाड़ देगी। तुम ठीक कह रहे हो भैया, मैं आज ही जा करके पार्टी के मुखिया जी से मिलता हूँ। हाँ जाके आप अपने मुखिया से कह दो कि अपना वादा पूरा करे, नहीं तो ये जनता पार्टी का नामो निशान मिटा देगी, क्योंकि हर पार्टी का भाग जनता लिखती है। वो जिनको चाहते हैं उनके सितारे चमका देते हैं और जिसको नहीं चाहते हैं उसको खाक में मिला देते हैं। जाओ
अपने मुखिया की आंखें खोलो और कहो अगर नाव में सफर करना है तो केवट को उतराई देना ही पड़ेगा। हाँ, बिना उतराई दिए सफर संभव नहीं होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ तुम भी चलो, हम भी चलते हैं। जय राम जी की। जय राम जी।